तो आज हमारे पास गाड़ी है महिंद्रा बुलेरो, और इसका आज प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं ब्रेक का। ब्रेक का प्रॉब्लम क्या है कि ये देखिए, ये ब्रेक सिलेंडर मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है, और लास्ट टाइम मैंने व्हील का एक वीडियो बनाया था, व्हील जाम हो गया था, व्हील जाम हुआ था सिलेंडर जाम होने की वजह से, और सिलेंडर में था कचरा। तो वो कचरा कहाँ से आया वो देखने के लिए अभी देखो, ये ब्रेक पैडल हम जब दबाते हैं तो जब मैंने एयर निकाली तो एक से दो बार में ब्रेक पैडल ऊपर आता है, मतलब ब्रेक पैडल पहले नीचे चला जाता है, पूरा प्रेस हो जाता है, फिर दोबारा में ऊपर आता है। तो ये प्रॉब्लम है इस मास्टर सिलेंडर की, जो उस समय हमको कचरा मिला था सिलेंडर के अंदर, व्हील सिलेंडर के अंदर, वो इसकी रबड़ कटने की वजह से मिला होगा ऐसा हमारा मानना है। तो इस वजह से हमने इसको खोला और इसके अंदर देखा तो इसके अंदर कचरा है काफ़ी, यानी कि ऑयल गंदा है। ऑयल अगर मैं इसका फ्लश भी कर दूँ, दोबारा नया ऑयल भी डाल दूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका काम चलने वाला है। कि कचरा आया तो कहाँ से आया, या तो इसकी रबर कटी है, कुछ भी है। मोस्टली होता क्या है कि ये लोग इसका पूरा सिलेंडर चेंज करते हैं, ये पूरा मास्टर सिलेंडर है ये चेंज होता है, ये लगभग 3500 रुपये के आसपास होता है, 3500 का। तो लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करूँगा और इसको खोल के देखूँगा क्या है इसके अंदर, और रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए वीडियो लगातार, बिना स्किप किए छोटी सी वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, मास्टर सिलेंडर को खोल लेंगे हम सिंपल, दो पाइप निकाल के और दो बोल्ट इधर से निकाल के, ये आ गया पूरा मास्टर सिलेंडर। अब इसमें ख़राब होने वाली चीज़ क्या है, चलिए इसको खोलते हैं फिर देखते हैं क्या चीज़ है। इसके ऊपर सिर्फ ये बॉक्स है, डिब्बा, जिसमें कि ये कलेक्ट रहता है ब्रेक ऑयल, इसको हटा देंगे और आगे से लॉक हटा के ये हमने अंदर का पूरा सामान निकाल लिया। और अंदर सामान क्या मिला, देखिए ऊपर तक ये बॉक्स है, ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन चलते हैं। अब ख़राब होने वाली चीज़ कहाँ है, देखिए ख़राब होने वाली चीज़ है यहाँ, ये पिस्टन जो इसके अंदर चलते हैं, इसके ऊपर रबड़ रिंग चढ़े रहते हैं छोटे छोटे, ये दो पिस्टन है ये देखिए, और दोनों के ऊपर दो दो रबड़ रिंग चढ़े हुए हैं, और ये रबड़ रिंग घिस जाने की वजह से ही प्रॉब्लम आती है कि रबड़ रिंग कट गए तो ये पूरा सिलेंडर ख़राब हो गया। तो पूरा सिलेंडर ख़राब ना करते हुए आज हमने इसका एक नया काम किया है। इसके लिए मैंने इसकी रबड़ रिंग की किट लेके आया अलग से, रबड़ रिंग किट अलग से मिलती है, तो वो TVS ग्रीडिंग की ली मैंने, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो TVS ग्रीडिंग की रबड़ किट है, ये देखिए रबड़ किट। तो ये रबड़ किट जो है इसके अंदर आज मैं इंस्टॉल करूँगा और ये फिर मास्टर सिलेंडर को दोबारा से फिट करूँगा, फिर देखते हैं कैसा आता है और इसके अंदर होता क्या क्या है। देखिए सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इसके अंदर एक वाशर से लेकर सिम से लेकर सारी चीज़ है, जो जो चीज़ ख़राब होती है, और बाकी जो चीज़ ख़राब नहीं होती, जैसे कि पिस्टन हो गया, ये नहीं टकराया और सिलेंडर हो गया जब तक कि उसमें निशान ना आ जाए तो ठीक है। ये देखिए सेम रबड़ की रबड़ रिंग है ये, जिसके ऊपर बॉक्स लगा हुआ था, और ये छोटे छोटे दो रिंग और आएंगे, इसमें नीचे का वाशर होगा और अंदर की सिम होगी। ये सारी चीज़ें इस किट में मिली हैं, ये किट लगभग 100-150 रुपए के आसपास मिल जाती है। तो ये मैं ले आया था इसको, किट को, और ये डाल के देखने वाला हूँ कि कामयाब है कि नहीं है, चल जाता है। इससे पहले एक गाड़ी में मैंने किया हुआ था तो ये किट भी चलती है, क्योंकि जब तक सिलेंडर अंदर से नहीं कटा है तो जब तक हम किट इसमें डाल सकते हैं। ज़रूरत क्या है हमको 3 से 3500 रुपये उस समय खर्च करने की, जबकि 100-150 रुपये में काम हो सकता है, क्योंकि हमको सिलेंडर खोल के देखना तो चाहिए कम से कम कि क्या है इसके अंदर। तो वही किया मैंने, हर चीज़ को खोलता हूँ, तो इसको भी खोला है मैंने। ये किट रबड़ रिंग है, ये दो टाइप के हैं दोनों, और रबड़ रिंग कैसे मैच होते हैं, देखिए रबड़ रिंग के नीचे नंबर लिखा होता है, पार्ट्स नंबर, जो रबड़ रिंग हम उतारेंगे उसके नीचे भी नंबर होगा, और जो रबड़ रिंग नया लाएंगे उसके नीचे भी नंबर होगा, वो नंबर्स मैच कर लेते हैं, बराबर बैठ गया ठीक है। इसका एक मेजरमेंट होता है इनर का और आउटर का, और थिकनेस वगैरह का, वो सारा जो है कोड में नंबर्स में लिखा रहता है। ये इसमें सिम है, ये जो लगी हुई ये पैकेट में सिम है, छोटा वाला वाशर भी मिला है हमको अलग से ही। और अभी देखिए ये इसको हम रिंग को इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें, सिंपल ये वाला रबड़ उतार के दूसरा और नया वाले रबड़ को चढ़ा देंगे दोनों में, इस तरफ भी और उस तरफ भी, और इसी तरह से दूसरे पिस्टन में। इसके अंदर टोटल ये दोनों दो पिस्टन हैं और दोनों में स्प्रिंग लगे हुए हैं, और जैसे खोलना है वैसे ही उसको फिट करना है, देख के स्प्रिंग अंदर की तरफ और ये पिस्टन बाहर की तरफ, यानी कि पहले स्प्रिंग जाता है फिर पिस्टन जाता है। पहला पिस्टन डालने के बाद नीचे एक बोल्ट है जिसमें कॉपर की वाशर लगी हुई थी, तो वो बोल्ट लगाना होता है। और ये इसके अंदर सिम है, ये देखिए ये सिम है जो इसके पीछे लगती है, रबड़ रिंग के पीछे, यानी ये देखिए ये पहले इसमें डाली जाएगी इधर की और इधर जो भी है। अगर आपको लगता है कि सिम खराब है डालने की जरूरत है डाल सकते हैं, नहीं तो सिम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
तो हमको मेन जो ज़रूरत थी वो रबड़ रिंग की थी, तो वो रबड़ रिंग को हमने उसमें चढ़ा दिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद और सिलेंडर को हमने साफ़ किया अच्छे से, वो मैं दिखा नहीं पाया इसमें आपको, इसको सिलेंडर को अच्छे से प्रेशर से साफ़ किया, डीजल से वॉश किया, सारी चीज़ें वॉश करके फिर इसके अंदर मैं फिट कर रहा हूँ। तो अभी ये पिस्टन को मैं इसमें लगा लेता हूँ। ये देखिए ये पिस्टन है जो कि हमने रबड़ रिंग चढ़ा के तैयार कर लिया है ऑयल लगा के, और इसके अंदर हम सिलेंडर में इसको फिट कर लेंगे। सिलेंडर में फिट करने के बाद ऊपर एक लॉक होता है जो कि इसके ऊपर लॉक कर दिया जाता है ताकि ये पिस्टन जो है पूरा बाहर की तरफ ना आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये देखिए फाइनली हमने लगा लिया, और ये वो लॉक है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए ये लॉक हमको लगाना होता है, और ये लॉक लगाने के बाद सिंपल हमने बॉक्स ऊपर लगा दिया और ये सिलेंडर तैयार हो गया। यानी कि जो चीज़ सिलेंडर में ख़राब थी सिर्फ उसी चीज़ को चेंज करते हुए हमने इसको ठीक कर लिया है, नहीं तो ये हमको चेंज करना पड़ता पूरा सिलेंडर। तो अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो ऑयल वगैरह था वो सारा लाइन में से ड्रेन कर लेना है। ये देखिए अभी हम इसको फिट कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऑयल हमने सारा ड्रेन कर दिया इसके अंदर जो पहले का था, सारा मैंने ब्रेक ऑयल नया डाला है इसमें। और ये चूड़ियाँ लगाते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कभी मिस हो जाती हैं, क्योंकि इसको हिला के धीरे धीरे इसको फिट किया जाता है। ये देखिए ये क्योंकि इसके ऊपर अंदर एक पाइप रहता है और पाइप से हम इसको फिट कर रहे हैं, तो इसको बड़े सावधानी के साथ करना होता है धीरे धीरे, और सिंपल खोलना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए दो बोल्ट ये हैं, बस इनको ही निकालना होता है, सिंपल ये बाहर आ जाता है। तो अभी ये सिलेंडर हो गया है फिट, और इसके बाद फिर हम करेंगे इसकी एयर ब्लीडिंग, और एयर ब्लीडिंग करके ये रेडी हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।